मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। मंचों पे बैठे हुए तमाम जुम्मेदारान, हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब, अब मेरे सामने जितने भी बैठे नौजवान बुज़ुर्गों साथियों और शेख आसिफ साहब के चाहने वालों, मैं शेख आसिफ साहब की ओर से, खानवादा शेख सफ़ी साहब की ओर से, मैं पूरे मालेगांव शहर की आवाम का बहुत तहे दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने जो इलेक्शन देखा 1999 के अंदर भी ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ा गया जैसा 2024 के अंदर इलेक्शन लड़ा गया। जो शेख आसिफ साहब को मानने वाले थे, जितने भी हमारे चाहने वाले थे, चाहे वो नौजवान हो, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, माँ बहनें हो, सब ने एक जोश के साथ इलेक्शन लड़ा था। और मैं आपके जोश को सलाम करता हूँ मैं, और जितनी भी हम लोगों ने ताकत लगाई तो उससे हमको मायूस नहीं होना है, उल्टा हम लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि हमारे लीडर वो इंसान है कि उसको आमदार बनने उनने की ज़रूरत नहीं, आमदार से ज़्यादा पावर रखते हमारे शेख आसिफ साहब। क्योंकि जो शख्स आमदार थे अभी तक उन्होंने इतना बड़ा बजट नहीं लाया जितना हमारे शेख आसिफ साहब ने ले के बताए लोगों को शहर के अंदर लाया, और अभी भी अल्लाह की जात से हमको इतनी उम्मीद है, अल्लाह ने चाह तो यहाँ के जो शहर के जो MLA है उससे दुगना बजट इंशाल्लाह लाएंगे, आप लोग दुआ करो। और फिर उसके बाद आसिफ साहब का जो भी फैसला होगा हम सबको उसको मान्यता करना होगा। लेकिन आसिफ साहब से सिर्फ मेरी एक दरख्वास्त, तो मेरी तंकीद, मेरी बात का बुरा वहाँ लगन देना शेख आसिफ साहब के, जितने भी चाहने वाले ने 1,10,000 आपको वोट मिली है, आप सबसे पहले इन लोगों का ख्याल रखना। और इसके बाद अगर हमारे मुखालिफ और कारपोरेशन का जब चुनाव आएगा और जो हमारे मुखालिफ आज थे अगर वो टिकट मांगने के आस्ते आना, उसको लात मार के खालना, लात मार के खालना। क्योंकि आज जो शख्स हमारे साथ नहीं वो कभी नहीं हमारा, न तो इन लोगों का 1,10,000 लोगों का दिल दुखेगा, और उन लोगों के अंदर भी ये चीज आएगी कि हम शेख आसिफ साहब के साथ रहेंगे, बाद में जाओ शेख आसिफ साहब हमको अपना लेता, तो अपनाना नहीं रहेगा हम लोगों को। जो आज हमारे साथ वो कल भी हमारे साथ, और जो आज हमारे साथ नहीं वो कल भी हमारे साथ नहीं रहेगा, ये शेख आसिफ साहब को तय करना है। शेख आसिफ साहब, कई लोगों ने आपके वास्ते रोजे भी रखे, कई लोगों ने जो नाराज था उन लोगों को जाके समझाया, और वो लोगों ने दिल से आप लोगों को वोट भी दिया, आपके वास्ते मेहनत भी की, आपके वास्ते दुआएं भी की, और उन लोगों का दिल ना टूटे। न तो ऐसा होता है शेख आसिफ साहब, क्या हारने के बाद वो सामने वाला साहब, मेरे से गलती हो गई, मेरे से ऐसा हो गया, मेरी मजबूरी थी, मेरा हाथ दबे था, मेरा पाँव दबेल था, तो बोलना भैया तेरा पाँव वहीं दबे रंद और तू भी वहीं रहे, सही बात है क्या? नहीं भैया, मेरी बात का बुरा मत लगन देना शेख आसिफ साहब। लेकिन मैं ये आवाम की जो चाहत है मैं आपको बता रहा, क्योंकि आप लोगों को आपको बोलने से पहले ये लोग सोचते हैं क्या साहब को बुरा ना लगे, तो इन लोगों ने मुझे कान में, जब मैं यहाँ आया तो कई लोगों ने मेरे को ये चीज़ कहा क्या शेख आसिफ साहब को हमारा इतना संदेशा पहुँचा देना। बहरहाल मैं एक बार फिर आप लोगों का, मालेगांव शहर की आवाम का, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मालेगांव शहर ने एक मैसेज जो दिया है आसिफ साहब को, 1,10,000 वोट दे के जो मैसेज दिया है, मैं समझता हूँ बिरादरीवाद पूरे मालेगांव के अंदर शेख आसिफ साहब ने खत्म कर दिया। हमको जो इलाके से वोट नहीं मिलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह टक्कर में वोट मिली है, टक्कर के अंदर। यानी मेरे को सबसे ज़्यादा एक बात की खुशी हुई है
क्या मालेगांव के अंदर आज से बिरादरी वाइज खत्म हो गया है। और मैं मालेगांव की शहर की आवाम को एक बार फिर सलूट करता हूँ जिन्होंने पूरे शहर ने मिल के बिरादरी वाइज को खत्म किया। अस्सलाम वालेकुम। हाजरीन आजी खाली